नमस्कार, मैं शिवा कुमार। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएंगे जो खुद में एक मिसाल कायम करता है, जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये बड़ा होकर इस मुकाम तक पहुंचेगा। जो बचपन में एक आर्मी में जाना चाहता था और आर्मी की सोच रखने वाला बन गया डीएसपी। आखिर कैसे डीएसपी बना, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल ये कहानी है डीएसपी अमर बहादुर की, जिसने अपने बचपन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना उठाया, काफ़ी कठिनाइयों के बाद इन्होंने ये पद भी हासिल की। आखिर बचपन से लेकर अब तक के अमर बहादुर का डीएसपी बनने तक का सफ़र कैसा रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। साल थी 1984, जब जिला आजमगढ़ के पलिया सूफीगंज में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत शोभा देवी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। पिता समाज सेवी का काम करते थे। माता पिता ने बड़े ही सोच समझकर बच्चे का नाम रखा अमर बहादुर, ताकि बड़ा होकर यह अपनी बहादुरी की मिसाल कायम करे। अमर बहादुर हंसते हुए बताते हैं कि उनके माता पिता और रिश्तेदार कहा करते थे कि सरकारी नौकरी चाहे जैसी भी हो, भले ही चपरासी की हो, बहुत अच्छी होती है। पर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो एक अधिकारी बनना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया कि अब तो कुछ करके ही दिखाना है और फिर लग गए अपनी पढ़ाई में। अमर बहादुर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शहीदों की धरती कहे जाने वाले गृह जनपद गाजीपुर से की थी। यहाँ की जनता आदर्श सेंटर कॉलेज से इन्होंने 10 से 12 तक की शिक्षा हासिल की, जिसमें अमर बहादुर टॉपर रहे। बचपन से ही अमर बहादुर आर्मी में जाना चाहते थे, क्योंकि गाजीपुर वीरों की धरती है। यहाँ का हर बच्चा देश सेवा में जाना चाहता है और उनके मन में भी आर्मी में जाने की चाह थी, लेकिन हाइट कम होने की वजह से रह गए। उनका कहना है कि अगर उनकी हाइट सही होती तो है आर्मी में होते या फिर दरोगा के पद पर तैनात होते। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कमियां भी अच्छाई को जन्म देती हैं। उसके बाद अमर बहादुर निरंतर अपनी शिक्षा करते रहे। उन्होंने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से पीजी किया। इसके बाद अमर बहादुर का बीटीसी में सिलेक्शन हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि इतना सब कुछ करने के बाद प्राइवेट टीचर बनोगे, पर घर वालों को कोई कष्ट नहीं था। सन 2012 में अमर बहादुर ने लोक सेवा आयोग की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच सन 2013 में अमर बहादुर को शिक्षा के रूप में पहली नौकरी मिली और 32 महीने तक टीचर रहे। सन 2014 में ही बीटीसी शिक्षिका अर्चना के साथ इनका विवाह हुआ। 7 जुलाई 2014 को लखनऊ सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर इनका सिलेक्शन हुआ और 11 जुलाई 2014 को इन्होंने डीएसपी की पदवी हासिल की। उसके बाद नौकरी में रहते उन्होंने पीसीएस के 2 इंटरव्यू दिए और दोनों में ही पास हुए, लेकिन नौकरी किसी में नहीं की। ट्रेनिंग के दौरान इनकी पोस्टिंग अंबेडकर नगर में हुई और वहाँ पर रहकर उन्होंने तमाम बड़ी घटनाओं का खुलासा किया और साथ ही साथ सबसे बड़े डॉन माफिया खान मुबारक व उसके गुर्गों पर कार्रवाई की। उसी के साथ साथ इन बड़ी कार्रवाइयों का हासिल करने के बाद इन्हें सम्मानित भी किया गया था। ललितपुर में अंडर ट्रेनिंग के दौरान अंबेडकर नगर में इनकी पहली पोस्टिंग हुई। उस वक्त जलालपुर, जो कि सबसे संवेदनशील जगह है, अति सर्कल टांडा में कार के दौरान एक 38 लाख की लूट हुई, जो कि इनकी पोस्टिंग के 20 दिन पहले हुई थी। बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय था, जिसमें अथक प्रयास के बाद लूट के 25 लाख रुपए और 1.5 लाख का इनामी लईक अहमद को स्वयं उपस्थित रहकर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। उसी दौरान पूरे देश में एनपी और एनआरसी चल रहा था, जहां पर शासन व उच्च अधिकारियों की मंशा के अनुरूप सब कुछ शांतपूर्ण तरीके से माहौल शांत कराया। अमर बहादुर ने क्षेत्र में एक अच्छी पहचान बनाई और लोगों का सहारा बने, साथ ही साथ क्षेत्र से दहशत खत्म कर दी।
जिसको लेकर इन्हें सम्मानित भी किया गया। अमर बहादुर सिंह ने सबसे बड़े डॉन माफिया खान मुबारक पर शुरुआती काम किया और खान मुबारक की गैंग गुर्गों पर चिन्हीकरण कर संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की। 17 अगस्त 2020 के बाद सेवा पदी पूर्ण करने के बाद इनका ट्रांसफर मैनपुरी हुआ। मैनपुरी में आते ही इन्होंने यहां पर भी एक अच्छी लोकप्रियता हासिल की और बड़ी बड़ी घटनाओं का खुलासा किया। आज अमर बहादुर सिंह मैनपुरी के भूगांव क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी के पद पर तैनात हैं। ये तो थी डीएसपी अमर बहादुर की कहानी। ऐसी ही तमाम कहानियों देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और देखते रहें द सेवा कुमार।